छोड़िए ना। जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जोरदार हमला किया है और रिश्वतखोरी जंगल राज इस तरह की आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी के ऊपर लगाया है। दरअसल जेपी नड्डा कल पटना पहुंचे थे सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए और उसके बाद आज उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बातों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के सरकार आने के बाद हम लोग भीख नहीं मांगते हैं बल्कि देने वाला देश बन गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आज तेजस्वी यादव का बयान इस पर सामने आया है कि बेरोजगारी की माँ है और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को भव्य बता रहा है, तेजस्वी यादव ने सुपर फ्लॉप बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनवाते हैं। आज जेपी नड्डा ने आरजेडी का फुलफॉर्म बताया है। आर का मतलब रिश्वतखोरी, पी का मतलब, जे का मतलब, अरे रुको यार सवाल कर रहे हैं। आरजेडी का मतलब जेपी नड्डा ने आज बतलाया है सर। बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी का बाप है। महंगाई की माँ और बेरोजगारी का बाप बीजेपी है। और कुछ और जो इस बार ओवर एज्ड जितने हो गए नौजवान 25 करोड़ से ज्यादा और जो फर्स्ट टाइम वोटर है सब भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। सब लोग राम मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी का बयान सामने है सर। मुद्दे की बात कीजिएगा तो हम जवाब देंगे। अभी सब बेकार की बात ये लोग करते रहते हैं। आज जेपी नड्डा ने आरजेडी का फुलफॉर्म बताया है। आर का मतलब रिश्वतखोरी, पी का मतलब, जे का मतलब, अरे रुको यार सवाल कर रहे हैं। आरजेडी का मतलब जेपी नड्डा ने आज बतलाया है सर। बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी का बाप है। महंगाई की माँ और बेरोजगारी का बाप बीजेपी है। और कुछ और जो इस बार ओवर एज्ड जितने हो गए नौजवान 25 करोड़ से ज्यादा और जो फर्स्ट टाइम वोटर है सब भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। सब लोग राम मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी का बयान सामने है सर। मुद्दे की बात कीजिएगा तो हम जवाब देंगे। अभी सब बेकार की बात ये लोग करते रहते हैं। बोलते थे अब चिराग पासवान करे 300 की पार और कह रहे आप डर गए हैं इसलिए नीतीश जी। चिराग पासवान जी तो हमारे चाचा को सरकार बनने से पहले जेल भिजवाना चाहते थे और क्या क्या नहीं कह रहे, छोड़िए उनके बारे में। नीतीश कुमार के अलावा एक सवाल, सुपर फ्लॉप हो गए ना लोग।